हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आशा करती हूँ आप सब कोई ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि अभी तक मेरी जुकाम नहीं ठीक हुई है। तो अभी तो नीलू चली गई है, बट दीपावली आने वाली है और बहुत सारा काम है, दीपावली की तैयारी भी करनी है। तो देखती हूँ, कशिश को बुलाई हूँ तो कशिश आ गई है और आज हम लोग करेंगे घर की थोड़ी साफ़ सफाई। थोड़ा सब सामान बिखरा हुआ है तो थोड़ा सब कुछ सेट करूँगी। किचन भी बहुत गंदा हो गया है तो सब कुछ साफ़ करना है। तो 2 दिन बाद दीपावली है तो चलिए आज साफ़ कर लेती हूँ, सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ क्योंकि फिर कल भी टाइम नहीं मिल पाता है और परसों दीपावली ही है। तो अभी तो कशिश और डुग्गो लगे हुए हैं तो कशिश जाले मार रही है और डुग्गू देख रहा है दीदी को। ये दोनों तो हो गया है, मार चुके हैं, कर चुके हैं साफ सफाई, दोनों ऐसे लड़ झगड़ेंगे। तो इतना सारा काम है कि समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए बार बार आके बैठ जाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले किचन से ही शुरू करूँगी क्योंकि सबसे ज़्यादा किचन में ही काम है, किचन बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। तो पूरा सामान सब कुछ सेट करना है और डब्बे वगैरह भी थोड़ी साफ़ करूँगी कि बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी बाबू तो सो गया है जग के, ये देखिए कैसे सब कुछ बिखरा हुआ है। तो थोड़ा सब कुछ सेट कर देती हूँ, पूरा सामान बिखरा हुआ है।
तो अभी मैं नहा के आई हूँ क्योंकि घर की साफ़ सफाई हो गई है, सब कुछ कर ली, सब कुछ हो गया, सारा काम आज एक ही दिन में पूरा ख़त्म कर डाली। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, ये था कशिश थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई है, और काम में भी हाथ बटाई और बच्चों को भी ले संभालने में। तो अभी तो खाना भी नहीं बना है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो ये पूरा मैं साफ़ सफाई यहाँ की हूँ। सब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और बैक साइड से ये देखिए सब कुछ यहाँ पे सेट की हूँ सब कुछ। बस ये बर्तन अभी के धुले हुए हैं इसलिए अभी रखे हुए हैं, उन्हें रखना है। और इधर भी पूरा सेट की हूँ सब कुछ, मेरे भगवान भी किचन में ही रखे हुए हैं। वैसे रखना तो नहीं चाहिए पर जगह ना होने के कारण मैंने किचन में ही रखा है, तो एक साइड ही रखे हैं। खाना नहीं बना है तो दाल पक गई है, और अभी मैं दाल को फ्राई कर रही हूँ, और चावल बनाना है तो चलिए फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि कसी भी भूखी, बच्चे भी भूखे हैं। तो अभी मेरी दाल फ्राई हो गई है, फ्राई वाली दाल बहुत अच्छी लगती है तो मैं इसलिए फ्राई की हूँ। और अभी जल्दी चावल चढ़ा देती हूँ तो जल्दी से खाना बन जाए, बहुत ज़्यादा भूख लगी है और इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि बस खड़े नहीं हुआ जा रहा, लग रहा कहीं लेट जाऊँ। चलिए थोड़ी रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि अभी बाबू भी सो रहे हैं जब तक चावल पकता है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तो इतना ही बस।